सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो स्क्वायर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है एक फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं शाओमी MI 8 यूथ की, या फिर हम इंडिया के तौर पे कहें तो MI 8X, जो कि होगा काफ़ी मज़ेदार फ़ोन, जो कि अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, मतलब अनाउंस भी नहीं हुआ है, रूमर्स में है, बट उसके काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रूमर्स में ही निकल के आ गई हर फोनों की तरह। तो चलिए देखते हैं, एक नज़र मारते हैं क्या क्या फीचर्स इसमें आने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. दोस्तों हर बार की तरफ शुरुआत करते हैं इसकी नेटवर्क टेक्नोलॉजी की तरफ से। ये होने वाला 4G फोन नहीं होगा 5G, क्योंकि इसके अंदर सिम डाल सकते हैं आप GSM, CDMA, HSPA और LTE। देन बात कर लेते हैं भैया इसकी सिम स्लॉट की, जो कि होगा डुअल सिम, और इसमें होगा एक नैनो सिम और एक होगा डुअल स्टैंड बाय। और वेट और डायमेंशन अभी तक इस फोन के बारे में नहीं आए हैं, तो हम जब भी आएंगे मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। खैर बढ़ते हैं आगे इसकी डिस्प्ले की तरफ, जो कि इसकी डिस्प्ले टाइप होने वाला है वो होगा ISP LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन 16M कलर के साथ। इसका जो साइज होने वाला है वो होगा 6.26 इंचेस का, सेंटीमीटर स्क्वायर में बोले तो 97.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रेजोल्यूशन की बात करें उसकी स्क्रीन की, तो वो होगा 180 इंटू 2280 पिक्सल्स, जो कि यार 2K तो नहीं है पर 180 के ऊपर है, यानी कि SD के ऊपर है। खैर बढ़ते हैं, इसकी जो MIUI आएगी वो आएगी 9.6। प्लेटफॉर्म जो होगा उसमें OS की बात करें तो होगा 8.1 ओरियो, और कह सकते हैं कि फ्यूचर में अपग्रेडेबल हो एंड्रॉयड पाई में। और साथ ही साथ चिपसेट की बात करें तो अब आएगा ये क्वालकॉम SDM710, यानी कि स्नैपड्रैगन 710 में। और CPU की बात करें तो ये होगा ऑक्टा कोर, और GPU के मामले में होगा एंड्रियो 616। अब भाई सुनने में तो कई बार आता है GPU की बात करें तो आता है एंड्रियो 530 या फिर कुछ ऐसा ही, बट 616 काफ़ी नया है, यानी कि ये फ़ोन गेमिंग के लिए हो सकता है मेन पर्पसली, मतलब अब क्या कहें। पढ़ते हैं आगे इसकी कार्ड स्लॉट की तरफ, इसमें कार्ड स्लॉट आप नहीं डाल सकते, यानी कि इसमें कोई भी एक्सपेंडेबल नहीं लगने वाला। देन बात कर लेते हैं इंटरनल की, तो ये होगा भैया 64GB इंटरनल और 6GB रैम के साथ, जो कि एक अच्छी बात है, बट चॉइसेस और नहीं है, कोई और वेरिएंट अभी तक नहीं आया निकल के। खैर बढ़ते हैं मेन कैमरे की तरफ, जो कि होगा डुअल 12 मेगापिक्सल, जिसका FHR होगा 1.9, जो कि होगा PDFA, एंड देन दूसरा जो है वो होगा 5 मेगापिक्सल का, जिसका FHR होगा 2.0, बट ये होगा डेप्थ सेंसर के साथ। बात कर लेते हैं फीचर की, होगा LED फ्लैश, HDR पैनोरमा एज नॉर्मल, बट जो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी वो होगी 2160 पिक्सल्स पे एट द रेट ऑफ 30 FPS, यानी कि भाई 2K रिकॉर्डिंग करने वाला है 30 FPS पर। चलिए ठीक है यार, चलता है इतना। देन बात कर लेते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में, जो कि होगा 24 मेगापिक्सल का HDR, जो कि रिकॉर्डिंग करेगा 180p पिक्सल पे एट द रेट ऑफ 30 FPS। अब बात सुनने वाली ये है कि ये 24 मेगापिक्सल का है, मतलब सेल्फी कैमरा इज मेन हाईलाइट आई बिलीव। देन बात कर लेते हैं इसके 3.5 mm जैक की साउंड में, तो इसके अंदर वो नहीं होगा, यानी कि टोटल मामला या शायद ब्लूटूथ या वाईफाई से किसी ना किसी तरीके से होगा, यानी कि मेरे हिसाब से तो मेनली ब्लूटूथ के हिसाब से होगा, क्योंकि ब्लूटूथ जो इसके अंदर है वो ये है 5.0 का, जो कि है काफ़ी लेटेस्ट चीज़। अब बात कर लेते हैं आगे इसकी जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है विद डेडिकेटेड माइक। अब भाई बात ये है मेन कि 3.5 mm जैक नहीं दे रहे हैं, मतलब सब अब एप्पल की कॉपी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, बट एप्पल भी अब 3.5 mm जैक को लेके आने वाला है वापस से। अब ऐसी रूमर्स आए हैं, देखते हैं क्या होता है। खैर बढ़ते हैं आगे इसके USB की तरफ, जो कि होने वाला है टाइप सी 1.0 रिवर्सिबल कनेक्टर। देन सेंसर्स के मामले में बात करें तो इसके अंदर होगा फिंगरप्रिंट रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और साथ ही साथ इसके अंदर होगा एक्सेलेरेट सेंसर, जायरो सेंसर आई मीन जायरोमीटर, प्रॉक्सिमेट सेंसर और ई कंपस। बात कर लेते हैं बैटरी में, बैटरी होगी इसकी 3350 mAh की, जो कि मेरे को थोड़ी सी कम लगी, क्योंकि जब इसका GPU ऐसा दे रखा है इन लोगों ने तो इसका मतलब होगा गेमिंग फोन होगा और बैटरी थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए थी। खैर पढ़ते हैं आगे, लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसके कलर वेरियंट्स के बारे में, जो कि आएंगे 4 कलर वेरियंट्स, एक होगा ग्रे, ब्लू, रेड और गोल्ड। अब भाई बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको एक नई फ्रेश वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक क्लिक कीजिए यार इस वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करना, कहीं मत जाइएगा, मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ, या कहूँ मैं काफ़ी जल्द जल्द एक ऐसी ऐसी वीडियोस लाता हूँ, यानी कि हर 6 घंटे में तकरीबन। तो बस भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, स्टे ऑसम, बी काइंड टू वन अदर।